नमस्ते शार्क्स। नमस्कार, मैं हूँ रिमझिम डेका। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ पाठका खती। हम गुवाहाटी असम से हैं and we are the founders of Little Box. And Sharks, today we are seeking 75 lakhs for 1% of the company. Wow! And before we start, I want to ask Namita and Vineeta, what's your mood today? So you are feeling edgy and you are feeling free. लेकिन ये तो बस दो ही moods हैं, क्योंकि in Little Box India, for all your MOOD, we have an OOTD. यानी Sharks, आपके हर mood के लिए हमारे पास एक outfit है. So presenting to you Little Box. Whoa! 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 Nice. Woohoo! Nice. Nice. Sharks, Little Box एक fast fashion D2C brand है जो specifically जेंजीज को target करते हैं। जेंजीज अपने attire को एक canvas की तरह use करते हैं to express their individuality. हमारा सारा product जेंजीज के aesthetics को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। Sharks, Little Box India हमने शुरू किया था last year in the month of June and June से लेके अभी तक हमने 2 लाख से भी ज्यादा shipment ship किया है pan India and आज के date पे हम हर रोज 1200 से भी ज्यादा शिपमेंट हर रोज शिप करते हैं थ्रूआउट द कंट्री। वेरी नाइस। सो शार्क्स, लेट्स मेक बिग थिंग्स विद लिटिल बॉक्स। अमेजिंग। और इन्होंने जो पहना है वो सारा इंक्लूडिंग फुटवेयर आपका है? यस यस। थैंक यू वेरी मच। गुड जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा टीम लिटिल बॉक्स, शार्क टैंक सीजन 3 पे आपका स्वागत है। क्या आप बिजनेस आसाम से रन कर रहे हैं, वहाँ बेस्ड है या कहीं और बेस्ड है? हमारे 2 एरिया ऑफ ऑपरेशंस है। हमारा जो बैक एंड वर्क है इंक्लूडिंग मार्केटिंग, कंटेंट, आईटी एंड ऑपरेशंस गुवाहाटी बेस्ड है एंड जो हमारी फैक्ट्रीज है वो दिल्ली में है और हमारा वेयर हाउस भी दिल्ली में। और आप कहाँ रहते हैं आप दोनों? हम लोग असम एंड दिल्ली। असम वी ट्रैवल बिटवीन बोथ द प्लेसेस। पर घर कहाँ है? लाइक घर गुवाहाटी। वंडरफुल। और आप लोग कैसे मिले एक दूसरे से? वी नो ईच अदर फ्रॉम लाइक लास्ट 18 इयर्स एंड वी आर मैरिड फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स। माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। असम से इतने हमारे वेंचर्स नहीं आते हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी असम में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है? इट इज वेरी न्यू। 5 इयर्स पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन राइट नाउ इफ यू गो टू असम एंड यू विल सी वेरी यंग पीपल जो काफी कुछ नया कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट है स्टार्टअप्स? वी हैव अ वेरी सपोर्टिव गवर्नमेंट इन दिस, एट लीस्ट इन दिस सिनेरियो। वी हैव इंक्यूबेशन सेंटर्स जहाँ पे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा हेल्प एंड मोटिवेट किया जाता है। तो आप क्या देखती है और ये क्या देखते हैं? सो आई टेक केयर ऑफ द क्रिएटिव्स, डिजाइनिंग, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट and HR, and also I take care of the marketing, a little bit of marketing. So I take care of marketing and operations, 100% of the operations and almost 100% of the IT I oversee. आपके backgrounds क्या हैं? क्या education लिया आपने? I don't have any professional background in designing. I did my bachelor's in mass comm and journalism. उसके बाद for an year I was trying out to work in PR. Reporting and all that thing, and then I co-founded another brand in the year 2012. वो भी fashion D2C था और वो मैंने 10 साल उसको चलाया, उस पे काम किया। अभी भी चल रहा है या अभी नहीं? हाँ, वो ब्रांड चल रहा है। क्यों छोड़ना पड़ा आपको? उस टाइम तो शुरू कर लिया अपने co-founder के साथ, पर ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करा। लाइक यू नो जो इक्विटी शेयर्स एंड ये वो, उन्होंने मुझे एक वर्बल कमिटमेंट दिया तो एंड आई ट्रस्टेड हिम, सो वी लाइक इट वाज गोइंग ऑल, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। बट 2018-19 से आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई वाज नॉट एबल टू पुश माय पोटेंशियल, मतलब जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया था फैशन D2C चलाने का। तो आई देन फेल्ट कि कुछ नया, मतलब कुछ आई वांट टू ओन समथिंग ऑन माय ओन। तो वो कंपनी सेम काम करती है जो आप कर रहे हो? वो भी फैशन D2C ही है, लेकिन द प्राइस पॉइंट इज डिफरेंट। तो आपने उसका पेपर वर्क नहीं किया था? इस बार ही कर लिया पेपर वर्क? इस बार हाँ, इस बार बिल्कुल शुरू में ही कर लिया। कितना इक्विटी है? इक्विटी शेयर्स हमारा 50-50%। कंपनी स्ट्रक्चर्ड है कि पार्टनरशिप मॉडल है कि प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बहुत बढ़िया। एंड रिमझिम, आप सीईओ हो? यस। तो किसने डिसाइड किया कि आप सीईओ बनेंगे? ये तो मैंने ही डिसाइड। लास्ट ब्रांड में भी सीईओ थी मैं। अच्छा अभी जिंदगी भर आपकी टाइटल हो गई है ना? और कुछ नहीं चलेगा, nothing less works, nothing, no. तो आपने 1200 ऑर्डर पर डे करना कोई मजाक तो है नहीं। आपने मार्केटिंग में क्या किया था ऐसा कि 1200 ऑर्डर तक आ गए एक साल के अंदर? प्रोडक्ट ट्रेंडी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ट्रेंड ऑफ वर्साचे पम्प ऑल ओवर द इंटरनेट। अब वो इंडिया में अवेलेबल होगा वर्साचे में, लेकिन एक अफोर्डेबिलिटी के साथ कहीं भी अवेलेबल नहीं। सही बात है। इम्पोर्टेड अवेलेबल होगा तो वो भी 6-7 थाउजेंड, ऑफकोर्स ड्यूप, फास्ट फैशन। हाँ फास्ट फैशन। तो हमने क्या किया, हमने वो प्रोडक्ट बनाया और उसका हमने उसको वी स्टार्टेड सेलिंग एंड वी वेंट वायरल विद दैट प्रोडक्ट। ओके। एंड लाइक इन द मंथ ऑफ सितंबर वी स्टार्टेड सेलिंग। वेयर, कहां पे बेचना? ऑनलाइन। एवरी व्हाटएवर सेल वी आर डूइंग इट्स हैपनिंग ऑनलाइन। मतलब अपनी ओन वेबसाइट। तो अपनी वेबसाइट में कस्टमर कैसे आए शुरू में? वी स्पेंट ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेट अप। यस, हमने इंस्टाग्राम में वी स्टार्टेड बिल्डिंग द कम्युनिटी ऑल्सो। टुडे वी हैव अराउंड 175K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो आपका सेल्स कितनी अभी? लास्ट मंथ वी डिड 2 CR। लास्ट मंथ इन द मंथ, लास्ट मंथ 2 CR। और कितना टाइम हुआ है स्टार्ट करे हुए? 1 year 3 months। माय गॉड, सुपर। फोड़ दिया आपने रिमझिम पार्था। और कितना ये साल कितने में एग्जिट करेंगे आप? इस साल नेट रेवेन्यू हम लोग चाहते हैं, मतलब टारगेट हमारी और हमारी टीम का है 36 तक हम पहुंचे। 2 करोड़ नेट रेवेन्यू है कि सेल्स है? नेट रेवेन्यू 30 करोड़ के आसपास शायद आप पहुंचे। हाँ, हम वो हमारा टारगेट। प्रॉफिट कितना है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी आर एबिटा पॉजिटिव, इट्स 15% प्रॉफिट है। अमेजिंग, मजा ही आ गया। आप ये जेंजी बोल वो इतने बार आपने बोला है, तो उनके लिए आप क्या-क्या करते हो स्पेशल? Whatever they are talking about, we talk. जेंजी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा opinionated है। मतलब हम जब उनके एज के थे हमारे पास इतना ओपिनियन नहीं था। We used to follow things कि हाँ ये अच्छा है तो ऐसा, बट उनका एक ओपिनियन है तो हम भी उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ LGBTQ, हाउ दे वांट अस टू embrace that. So we try to create a community. What are your core values? One of the core value which we are right now trying to work on, जिसमें हमें थोड़ा time लगेगा, is to be sustainable. What we are trying to do is eliminate overproduction, which at the longer run becomes sustainable. Today we don't have inventory for more than 10 days in our warehouse. Problem क्या होता है? आप एक product बनाते हो, आप उसको next 3 months के लिए ऑर्डर देते हो, अब और लॉन्च कर दिया। जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में भी शुरू में चल गया, नेक्स्ट 2 months का जो स्टॉक था वो नहीं चला, वो आपका स्टॉक डेड स्टॉक बन गया। हम ऐसा नहीं कर रहे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कस्टमर से पूछते हैं कि इसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि दिस ब्लू टॉप, इसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन या एंगेजमेंट मिल रहा है। फिर हम उसी लाइन पे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और बिल्कुल स्मॉल बैच 30 pieces ईच प्रोडक्ट बना के वेबसाइट पे लाइव करते हैं। ये ब्रिलियंट किया आपने, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ये सॉल्व नहीं कर पाते। आपने ये जो सॉल्व किया ना, अमेजिंग है। फैक्ट्री में कैपेसिटी कितनी है? एटलीस्ट 2000 यूनिट्स ऑफ ग्रोथ। 4 फैक्ट्री है दिल्ली में एंड 1 फैक्ट्री खुद के है। लेकिन हाँ, अपने फैक्ट्री में वो जो स्मॉल बैच बनाते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है कि मैंने आज 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, 30-30 ईच, वो मैं अपने फैक्ट्री में ही हम बनाएंगे। उसको तो स्केल करना ही पड़ेगा बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स तो डालना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कैप्टिव यूनिट्स के थ्रू ही करें, क्योंकि उसमें हम देन हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे। कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट नहीं करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स दिखा दो प्लीज। Good to see you from close. क्या मटेरियल है? That's cotton and polyester. It's 40% cotton and 60% polyester. इसकी zip इतनी non-functional है, वो जगह जगह अटक जाता है। तो या तो ये आप सही प्रोडक्ट नहीं लेके आए हो, या तो आपकी क्वालिटी है, I don't know. प्रोडक्ट क्वालिटी भी वो बात नहीं है ना। जैसे मैं शू देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अनइवननेस है, लेकिन मुझे अचंबा ये बात का हो रहा है कि आपने इतनी जल्दी इतना बड़ा धंधा विद नॉन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कैसे आपने अचीव किया? इज इट डिस्ट्रीब्यूशन, या आपने क्या डिजिटल मार्केटिंग क्रैक की है? क्या क्रैक किया? फॉर द प्राइस दैट वी आर ऑफरिंग आवर कंज्यूमर्स आर हैप्पी विद दोज प्रोडक्ट्स। एंड हम लोग जब प्रोडक्ट कोई लॉन्च भी करते हैं, कस्टमर्स गेट रियली एक्साइटेड अबाउट इट। Instagram देखना है आपका। Can you show me the first post? This is about your shoe. Can you show me the? Can I read the comments or something? Or ठीक है लेगा wanna collaborate with you. Likes कितने? 2777. And comments? Comments अच्छे हैं, positive हैं, और आपकी वो vibe भी अच्छी है. Can be better but. आपको क्या लगता है, आपकी एंगेजमेंट ठीक है, कम है या बेटर हो सकती है? आई थिंक अभी हमें थोड़ा और उस पर काम करना पड़ेगा। ओनली नॉट ओनली टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स बट टॉक मोर अबाउट द एंगेजमेंट, लाइफस्टाइल, बियॉन्ड प्रोडक्ट्स आल्सो। एग्जैक्टली, थोड़ा करना पड़ेगा। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू और रिपीट कस्टमर्स क्या है? 1250 रुपीस है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ओके, रिपीट कस्टमर है 22%। कैसे डिफाइन किया आपने 22%? डे वन से लेके आज तक अगर हम डेली रिपीट कस्टमर देखेंगे, लास्ट 90 डेज में भी अगर हम देखेंगे तो 21-22% आपने वो कोहॉर्ट एनालिसिस नहीं किया, कोई बात नहीं है। Your blended return customer right return now customer is 22%. Yes, आपके पास वो दूसरा नंबर नहीं है, आपको स्टडी करना चाहिए। It depends. It's good. अगर आप ग्रोथ तेजी से कर रहे हैं तो 22% is good. लेकिन अगर आप ग्रोथ तेजी से नहीं कर रहे हैं तो it's very bad. इसको मंथली कोहोर्ट में देखना चाहिए आपको। हाँ। आपके रिटर्न्स कितने थे? एक्सचेंजेस 7%। सीओडी रिटर्न नहीं होता, सीओडी रिटर्न नहीं होता, आरटीओ होता। आरटीओ होता है 20%, 21%। ठीक है, आरटीओ इज रिटर्न टू ओरिजिन। ठीक है, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, ठीक है? वैल्यूएशन आपकी हम देंगे 25 करोड़, 50 लाख एट 2% एंड रेस्ट डेट एट 12% for 2 years. नहीं सबसे नहीं दे रहा है। समझ गए आप? मैं फिर से बोलूं? नहीं समझ गए। ठीक है, मेरा भी एक ऑफर है। मेरा ऑफर है, इन्होंने आपको वैल्यूएशन दिया है 25 करोड़ का, मैं आपको वैल्यूएशन दूंगी 60 करोड़ का। सो आई विल गिव यू 30 लाख इन इक्विटी फॉर 0.5%। तो आपको मिलेगा 60 करोड़ का वैल्यूएशन एंड बाकी का 45 लाख मुझे रॉयल्टी डील करनी है। सर दैट आई गेट 2% टिल आई मेक 90 लाख। I think it's great. I think it's too bad. I think it's fantastic. No, because they're already making money, so why, you know, they should be skin in the game. आपकी कोई ऐप भी है? अभी ऐप नहीं। मेरे ये बताइए, पेड कितना आपके सेल्स होते हैं? ऑर्डर्स 900 ऑर्डर में कितने पेड आते हैं पर डे और कितने आपके ऑर्गेनिक? 120 ऑर्डर्स पर डे आते हैं हमारा ऑर्गेनिकली। जस्ट ऑल द ऑर्डर्स आर पेड। इस पे अगर अपन लोग काम करेंगे ना, रिपीट कैसे लाना है, ऐप लाएंगे, व्हाट्सएप लाएंगे, दैट कैन गो अप सिग्निफिकेंटली। एक तो इन्होंने माफी समझाती है, 900 रुपये का 1200 रुपये का ऑर्डर है, कैसे ब्रेकडाउन होता है? 1250 में 40% हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स, विच इज 500 रुपीज़। 10% हो जाता है लॉजिस्टिक, 50% इज आर ग्रॉस मार्जिन, 20% हमारा हो जाता है आपका मार्केटिंग कॉस्ट एंड 15% इज द टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट, सैलरी, जितने भी बाकी खर्च हैं। आपकी जो जर्नी है वो बहुत सिमिलर टू माइन है वैसे। मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी एक किसी को फाउंडर के साथ स्टार्ट की थी एंड 5 साल चलाई थी। वो आपने भी? हाँ। एंड देन दैट डिडंट वर्क आउट एंड देन शुगर मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट की थी एंड आई कन्विंस्ड हिम कि ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है एंड पिछले 8 साल से हम दोनों साथ में शुगर चला रहे हैं एज 50-50% पार्टनर्स। सो आई एंड आपने जो बिजनेस बनाया है, you know, incredible, great numbers. मैं आई थी तो honestly मुझे name and products इतने superior नहीं लगे, पर at the end of the day consumer is queen. She loves you, so I love you and my offer for you is 75 lakhs for 2% which is 37.5 crore की valuation. And आई थिंक आप जानते हैं कि मैं आपकी इसमें काफ़ी मदद कर सकती हूँ बिकॉज हमारे consumers भी core Gen Z women. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत कम मैं मिलता हूँ ऐसे फाउंडर से जिनके फंडामेंटल एकदम क्लियर होते हैं। आपके इन्वेंट्री टर्न्स के फंड है, जो मुझे लगता है आपने डिजिटल मार्केटिंग भी ठीक ठाक क्रैक मार ली, बिकॉज इतना स्केल करना ऑर्डर इतना पॉसिबल नहीं था, विच इज़ अगेन अ ट्रेमेंडस थिंग। जो मुझे लगता है कि अपने को ज़रूरत पड़ेगी वो है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की, विच इज़ अबाउट ऐप एंड रिपीट्स एंड स्टफ विच कैन सिग्निफिकेंटली गेट यू फर्दर, जिसमें काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ आपकी। और सेकंड जरूरत पड़ेगी अपने को ब्रांड की, जो सबने बात करी जेंजी से रिलेट करने वाली, मोर रिलेटेबल ब्रांड कैसे बनानी। यू कुड बी द नेक्स्ट शीन इन माय व्यू। यू विल बी द नेक्स्ट लिटिल बॉक्स, नॉट शीन। सॉरी, आई वाज जस्ट अमन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। सो माय ऑफर इज 50 लाख इन इक्विटी फॉर 1% एंड 25 लाख इन डेट फॉर 12% फॉर 2 years। 50 करोड़ की मैंने आपकी वैल्यू लगाई है, जस्ट टू बी क्लियर, और 25 लाख का डेट है। आपको डेट चाहिए या नहीं चाहिए? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने डील वैसी बनाई, कुछ चेंज करना तो बात कर सकते हैं। मैडम हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं काफी हेल्प कर सकता हूँ आपको इसको स्किल करना। 4 शार्क्स ने आपको ऑफर दिया, सो कांग्रेचुलेशंस, आपने कुछ बहुत अच्छा किया, बट पिक्चर अभी बाकी है। यस यस राइट। तो यार आपने जो मांगा ना, मुझे लगता है जिस पर्पज से आप आए हैं एंड योर वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपने जो वैल्यूएशन मांगी वही मिलनी चाहिए, राइट? बिकॉज आई ऑल्सो थिंक पोटेंशियल है आपके बिजनेस में। तो आई थिंक आई विल गिव यू द वैल्यूएशन यू वांट, 1% 75 लाख, लेकिन साथ में मैं आपसे 2% रॉयल्टी लूंगा, अप टू द पॉइंट आई मेक 1.5x ऑफ माई मनी। आप समझ कर, तो 75 लाख का 1.5x कितना होता है? 112.5। फैंटास्टिक, मेरा नंबर्स गाइस, मेरी डील बेटर है, मेरा नंबर्स गाइस। 30 करोड़ के रेवेन्यू में 60 लाख तो इनको आप इस साल ही वापस कर दोगे प्रैक्टिकली, एंड एग्जैक्टली द वैल्यूएशन यू आस्क्ड। मैं अपनी डील चेंज करती हूं। $75 लाख, 1.5% equity, no debt, no royalty. तो चलिए valuation तो बड़ा, my valuation still stands at 75 crore. I would like to change my valuation. I you? आप आए थे 75 lakhs 1% के लिए, मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 lakhs 1.5%. That's it. चलिए ऑफर चेंज करते हैं, 75 lakhs for 1%, what you asked. क्या लगता है? What do you say? No royalty, no royalty. Nothing, no royalty. God. Exactly what you asked. चलिए मैं भी ऑफर चेंज करूँ, 75 lakhs 1%. 75 for 1%. आपका वैल्यूएशन मैच हो गया। आपको ये देखना है कि किस टाइप का शार्क आपको ज्यादा हेल्प करेगा। जाके प्लान करके आइए। Yes, आराम से जाइए। क्या रे? कितना मतलब सीरियसली कहाँ से कहाँ? इनको 5 शार्क डील दे दो ना। नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा 5 शार्क। नहीं? It's good for them. No no it's good for them. नहीं कुछ पता नहीं। That's also true. Welcome back. हाथ पकड़ के like full. क्या सोचा आपने? Thank you so much, sharks. Actually, we are not in the valuation game. हमें इतना समझ में भी नहीं आता है ये, क्योंकि हमने कभी fund raise किया ही नहीं है. But we want all of you with us. No, no, no. Because we want to do something. चलो विनीता और मैं join हो जाते हैं। 75 lakhs for 1.5%. We can. 75 lakhs for 1.5%, not 1%. We can shell little more equity because we want good people with us. आप बताओ आपको क्या चाहिए? What's your count? So we are thinking that अगर मतलब सब लोग आते हैं तो we can dilute up to 2.5. Wow, for 75 lakhs. I mean, not 75 lakhs. At a valuation of 75 crore, at the same valuation, and we are ready to negotiate on that as well. Okay. You can tell us that, but हम लोग क्या चाहते हैं ना कि we need good people with us. We need to grow. अगर 5 शार्क करना है तो we will give a combined offer. Are we okay? Yeah, we okay. Okay, I will be okay for you. आपको सब शार्क्स चाहिए, तो उसकी प्राइस लगेगी. Are you ready to pay that? Yes, yes. That's why we said that we are open to that. 75 lakhs, 5 sharks for 2.5%. और मुझे ये 4 शार्क को टॉलरेट करना पड़ेगा, फिर भी I am agreeing to do the deal. What do you think? Deal पक्की. Very smart. You are very smart. because we are not looking for valuation, we are looking for value. तो मैं क्या ही रहा था पहले. This is for you. Congratulations. Well done. Such a big fan. But क्या business बनाया आप लोग? Love it. Thank you. हमारे सारे सेलिब्रेशन में एक कैरेक्टर मेन होता है, वो है केक. मिंटू की बर्थडे पार्टी हो या भैया भाभी की एनिवर्सरी, पापा का प्रमोशन हुआ हो या बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग, बल्कि आजकल तो लोग डाइवोर्स भी केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं. शाक्स, केक देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन कस्टमाइज्ड केक देखकर हमारी खुशियों में चार चांद लग जाता है. पर्सनलाइज्ड केक आपको मार्केट में मिलता तो है क्या, पर वो आपको साधारण केक के प्राइस में मिलता है? नहीं. क्या वो आपको 2 घंटे के अंदर मिलता है? नहीं. क्या आप उसको घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं. यही हम क्रेम कासल में कहते हैं हाँ. नमस्ते शार्क, मेरा नाम है वीना मित्तल. और मेरा नाम है प्रांजय मित्तल. हम नोएडा से हैं. क्रेम कासल इंडिया का पहला और अकेला ब्रांड है जो एक कस्टमाइज केक मात्र 2 घंटे के अंदर बना सकता है, वो भी मार्केट से 40% सस्ते प्राइस में. पूरे विश्व में क्रेम कासल से ज्यादा डिजाइन एंड फ्लेवर प्रोफाइल किसी भी बेकरी के पास नहीं है. हम केक्स के अलावा चीज केक्स, पेस्ट्रीज एंड इक्लेयर्स में भी डील करते हैं. मेरे घर के किचन से शुरू हुए क्रेम कासल की आज दिल्ली एनसीआर में 3 ब्रांचेज हैं और अब तक हम 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं. हमारा विजन है हम माँ बेटे भारत के हर शहर और हर घर में हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं. आज हम आपसे 60 लाख रुपए लेने आए हैं 1.5% इक्विटी के अगेंस्ट. और ये शार्क्स साथ में जुड़कर हर सेलिब्रेशन का स्पेशल बनाते हैं. और अब आए गए हैं तो सबसे पहले क्यों ना केक काट के इसको स्टार्ट किया जाए. ऑलराइट, अच्छा केक काटते हैं. अच्छा आप काटिए, आप फाउंडर्स हैं. अमित सर इस लाइन यूनिट बाय यूनिट, ब्रांड बाय ब्रांड हमने पूरा बनाया है. अरे वाह. विनीता, फिटनेस फ्रीक दैट यू आर एंड हाउ यू इंस्पायर अस. अमन, कैफे से बोर्ड तक आपने बनाया है, हमने देखा है. और नमिता, वो आपके वीडियो जय. अनुपम, शादी के लिए मैग्नानिमस. तो एक डिस्क्लोजर, यहाँ पर प्रांजय और मैं साथ में काम करते थे. ये कार देखो मैं था पहले. ओह रियली? या एंड देन ही लेफ्ट टू डू दिस स्टार्टअप फ्यू इयर्स बैक. जब आप वो काम करते थे वहाँ पर आप इतना स्टार्व हो गए थे सेलिब्रेशन के लिए कि आपने निकल के सेलिब्रेशन का बिजनेस स्टार्ट. जर्नी में आपको बाद में बताऊंगा. यहाँ आके इतने एक्साइटेड हो कि हमेशा लाइफ में ऐसे ही रहते हैं? हमेशा ही रहता हूँ सर, मैं हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहता हूँ. हाँ, फिर भी दिखाओगे? तो आपने यहाँ के बनाया या दिल्ली से लाए हो? वी रेंटेड अ किचन हियर और यही बनवाया है. वाह, बहुत बढ़िया. वेरी गुड. आपका केक्स अच्छे. थैंक यू. वेरी नाइस. The salted caramel is really good. Even the eclair is outstanding. बहुत ही आम. Delicious. बहुत अच्छे यार. मजा आ गया. Thank you. आपने दिल खुश कर दिया. केक का शौक आपको इनसे आया या इनको आपसे आया? नहीं, ये जर्नी तो मेरी है. मेरे अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली, जहाँ पता लगता था आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैं सबको गिफ्ट में केक भेजती थी. अच्छा. और जब वो उन लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आए ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया. और फिर मेरे हस्बैंड ने 2013 में मुझे एक स्मॉल बेकरी ओपन कराई. मेरी जहाँ बेकरी थी वो सराउंडेड बाई ऑल मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मतलब काफ़ी जल्दी हम पॉपुलर हो गए थे. और मुझे बेकिंग का ना पैशन बहुत है. मैं रात भर बेकिंग कर सकती हूँ, सारा दिन बेकिंग कर सकती हूँ. तो बेसिकली मैं IIT के फाइनल ईयर में था तब मम्मी ने IIT दिल्ली से. अच्छा. तो मम्मी ने बेकरी स्टार्ट करी थी. तब तक मैं 2 स्टार्टअप करके फेल भी कर चुका था. अच्छा. क्योंकि मुझे बचपन से ही बिजनेस करना था. मैंने पहला टीवी पापा की शॉप पे 6th स्टैंडर्ड में बेचा था. तभी मुझे थ्रिल आ गया था कि मुझे करना यही है. फिर ना वहाँ जो 2 फेल किए, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को अभी आता नहीं है पूरा बिजनेस चलाना. तभी अमित कैंपस आए, लास्ट राउंड इन्होंने लिया था, एंड ही हायर्ड मी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. तो वहाँ जाके मैंने पूरा टेक सीखा एंड तब मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि इस बिजनेस को अगर टेक देना है और इसको बनाना है तो मैं कर सकता हूँ. तो मैं अमित के पास गया कि मेरे को अपना काम करना है. उन्होंने पूरा एक अपनी टेबल ली, पूरा मेरा बिजनेस मॉडल बनाया और कहा इसमें बंदे नहीं, इसमें तू ये कर, और मैं तेरा रेजिग्नेशन नहीं ले रहा, तू जा ये करके आ. टुडे मैंने जो पूरा बिजनेस बनाया है, पूरा टेक मैंने खुद बनाया है, पूरी मार्केटिंग मैं खुद करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हिम। Amit, very well done. Yeah, हमारी कंपनी में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बने हैं, प्रांजय वन ऑफ देम। आई एम सो प्राउड टू सी यू हियर। मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा था देखिए आप। अमित ने जयपुर से $1 बिलियन कंपनी बनाई है, वहाँ जो सीख के आया हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एंड दैट वाज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मी। जैसे मॉम ने बताया कि बच्चे आते थे स्टूडेंट्स, तो उससे क्या देखा मैंने कि एक गर्लफ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड ने केक दे दिया। अब उस कॉलेज में अगर कोई और बॉयफ्रेंड उस गर्लफ्रेंड को डिजाइनर केक नहीं दे रहा है ना, उसका प्यार कम है। तब मुझे दिखा कि इंडिया में इंस्पिरेशनल चीज है ये। तो हमें ये था कि अगर वी कैन मेक एवरी केक अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, दैट्स व्हेन वी कैन डू द डिसरप्शन इन द मार्केट। बट ये केक का जो पर्सनलाइज केक वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहले तो नया था, लेकिन आई थिंक अब तो हर कोई कर लेता है। करता हर कोई है, बट इसको स्केलेबल कोई नहीं बना पा रहा है। हमने जो करा है इसको स्केलेबल बनाया है हमारे असेंबली लाइन मॉडल से, वेयर इट्स नॉट पीपल डिपेंडेंट, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, इस पूरे डिजाइनिंग को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने फ्रेशर्स को आगे स्पेसिफिक पार्ट सिखाए, जैसे किसी को रोलिंग सिखाई, किसी को कटिंग सिखाई, तो दैट वाज इजी। जैसे ये केक है, अभी कैसे बनेगा, ये लेयरिंग हो गई, उसके बाद इसकी कवरिंग हो जाएगी एंड इसको फिर फ्रिज में एक तरफ ठंडा होने लग गया। अब यहाँ पे देखिए उसको ये बना रहे हैं एक एक पार्ट। अब यहाँ पे इसकी असेंबलिंग हो रही है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको 3D मॉडलिंग हो रही है। तो एक बंदा वही करता है 3D मॉडल। हर किसी को एक चीज करनी है, हर कोई अलग काम। उससे हम एट्रिशन भी कंट्रोल कर पाते हैं। फैक्ट्री लाइन प्रोसेस लग रहा है। या असेंबली एक अभी असेंबलिंग करेगा सर। 50,000 का शेफ जो और लोग रखते हैं, उसको हमने 10,000 की ट्रेनी से रिप्लेस कर दिया। दैट इज वेयर वी कुड ब्रिंग द लेबर कॉस्ट डाउन। उसके अलावा क्या करा, बिकॉज 7 स्टेप्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको कॉमन दिखेंगे मल्टीपल केक में। 3 to 4 पार्ट्स ऑफ द असेंबली लाइन वर ऑलरेडी इन द साइकिल दैट वी डू इट बाय डिमांड प्रेडिक्शन। तो क्या होता है, जब ऑर्डर आता है आपके पास, तो आधा केक तो पार्ट्स में रेडी होता है, बस उसे असेंबल करना है, लास्ट की 2 चीजों को उसमें लगाना है एंड द केक इज रेडी। इंटरेस्टिंग है। तो आपका धंधा कितना बड़ा है? लास्ट मंथ हमने 88 लाख की सेल करी है। पिछले 3 साल का नंबर बता दीजिए। लास्ट ईयर हमने किया था 7.2 करोड़ का। अच्छा। उससे पहले हमने किया था 5.2 करोड़ का, और उससे पहले था 3 करोड़ का। ये साल कितना क्या रन रेट? 13 करोड़ हम क्लोज करेंगे। ओके। और ये आपने शॉप से या ये कहाँ से बेचा? तो सबसे अच्छा पार्ट हमारे बिजनेस का ये है दैट 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम D2C वेबसाइट। ये Zomato स्विगी पे 30% ही है। और यार 3 दुकानें बताई आपने, वहाँ से क्या हो रहा? क्लाउड किचन से। अच्छा, आपकी बेकरी आपने बंद कर दी? वो एक लेगेसी छोटी सी चल। वही था ना कि स्टेप बाय स्टेप करना है, ज़्यादा नहीं फैलाना। पहले प्रोडक्ट क्रैक किया, फिर प्रोडक्शन क्रैक किया। अब हमें पता है कि हम कैसे इसको 4 tier मॉडल बनाएंगे, जहाँ एक क्लस्टर किचन होगा। क्लस्टर किचन में क्या होता है, 70 to 80% ऑफ प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में बन जाता है। फिर ये स्पोक किचन में जाता है डिफरेंट सिटीज के, वहाँ पे इसकी असेंबलिंग होती है। आगे आएगा कॉन्सेप्ट डार्क स्टोर्स का, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट जाएंगे, लाइक डेजर्ट्स और हाफ केजी केक, जिनको सिर्फ पैक करके देना होगा। जैसे क्विक कॉमर्स और दिस इज Zomato स्विगी डिपेंडेंट, क्योंकि पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, एक्विजिशन लेके आएंगे। 4th will be this offline bakery, जहाँ पे हम एक्सपीरियंस देंगे। 2 डायमेंशन में देखते हैं आपका बिजनेस। एक है आपने क्लियरली यहाँ पर ऑटोमेशन और प्रोसेस लगा दिया है, दूसरा है कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज के दिन हम D2C पे कस्टमर्स गूगल से लेके आते हैं। जैसे ही कस्टमर सर्च करता है, वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर माई हस्बैंड, वॉन्ट टू प्रपोज माई गर्लफ्रेंड, शादी के लिए कुछ करना है, वो गूगल पे जाते हैं। आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखी है और वहीं गूगल पे हम कस्टमर्स को एक्वायर कर लेते हैं। क्या क्या है? 400 रुपीस का है। फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू 17 to 1800 रहती है डिजाइनर केक्स। LTV 2000 रुपीस की। एज अ बिजनेस मेरे को क्यों नहीं लग रहा कि ये एक लेवल के बाद बहुत बड़ा हो सकता है। केक इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की है, राइट? हाँ, बट केक है तो बहुत सारी पेस्ट्री शॉप, शारदा पेस्ट्री शॉप है हमारे घर के बारे में, ग्रीन पेस्ट्री शॉप। आपकी नेबरहुड बेकरी है, वो आपको 4 चॉकलेट केक देगी, 4 पाइनएप्पल केक देगी, बट आपकी वो एस्पिरेशन को हर बार फुलफिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हम लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रेट, आप कुछ भी करो, यू मेक इट स्पेशल। अभी मदर्स डे गया था, हमारे लिए तो साल का बिगेस्ट दिन था। दीपिंदर गोयल ने भी Zomato पे ट्वीट किया था, दैट वाज द बिगेस्ट डे फॉर Zomato। मदर्स डे इज द बिगेस्ट डे इन द वर्ल्ड फॉर गिफ्टिंग। करेक्ट। हम सेलिब्रेशंस की चीजें बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन पे आजकल रक्षाबंधन केक्स आ गए हैं, दिवाली पे लोग दिवाली थीम केक रखते हैं अपने पास, फ्रेंडशिप डे के केक्स हो गए। तो एवरी टाइम यू आर लुकिंग टू सेलिब्रेट। तो अब क्या हमारा सिर्फ पर्सनलाइज केक नहीं है। अगर मैं केक्स में भी बात करूँ, बाय वॉल्यूम 50% इज पर्सनलाइज केक, 50% इज रेगुलर केक्स। फंडा यहाँ पे ये कि आप साल में 10 बार सेलिब्रेट करते हो, आप 2 बार अच्छे से करोगे पर्सनलाइज केक लो, 6 बार आप रेगुलर केक लोगे, वो भी लो हमसे। ये कमोडिटी है और इस कमोडिटी को हम अपग्रेड कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ एन एक्सपीरियंस। आपने जो ये वीडियो दिखाया जहाँ देयर डिफरेंट पीपल डूइंग वन स्पेसिफिक पार्ट, तो आप किसी भी केक शॉप में जाइए, देयर इज एन असेंबली तो मतलब मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा इसमें। रेगुलर केक में असेंबली लाइन होती है कि स्पंज बनाने वाला अलग होता है, फिलिंग बनाने वाला, डिजाइनर भी नहीं होती। उसके ऊपर की लेयर में वो एक आर्टिस्ट को रखते हैं अपने पास ऑन कॉल, जो कि 50,000 रुपए की सैलरी का बंदा होता है। अगर सपोज ये विनीता वाला केक का ऑर्डर आएगा तो गर्ल कोई और बनाएगी, जो छोटे एलिमेंट है वो कोई और बनाएगा। इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स असेंबली लाइन, इट इज वेरी इजी टू कॉपी। प्रांजल, मुझे अभी आउट होना पड़ेगा फॉर द रीजन कि मुझे लग रहा है कि फील नहीं आ रही कि रेप्लिकेशन हो सकती है। अभी तक मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं अभी आउट हूँ। फर्स्टली आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि एन IIT दिल्ली ग्रेजुएट इतनी अच्छी नौकरी सब छोड़ के आप इतने conviction के साथ you're in a business, because otherwise बहुत taboos और labels होते हैं। You're making cake after IIT, but you have a vision, so I think that's fabulous. But मुझे कोई differentiator नहीं लग रहा है। The assembly line can be copied easily, और ये जो आप बोल रहे personalized cakes, बहुत सारे players हैं। So love your passion, but I'm out for today. Also, I want to just mention here that we also have a like we had a VC term sheet also that we did. अरे वाह, क्या valuation पे किया, किससे लिया? 31 crores post money. पर अभी sign किया और आपने यहाँ पे 40 crore मांगा के? नहीं, तो term sheet को sign करे हुए हमें 1.5-2 महीना हो गया है। Oh my God. और हमारा तब से business भी जो है मतलब बढ़ गया है। तब हमारा था, हम 75 lakhs के आसपास करते थे, आज हम 88 lakhs के आसपास करते हैं। टर्म शीट साइन करके 1.5 महीना हुआ है, पैसे नहीं आए हैं, ड्यू डिलिजेंस भी अभी नहीं हुई है, और आपने लिटरली यहाँ के 33% बढ़ा दिया रेवेन्यू के। उससे कर रहा हूँ कि उस समय रेवेन्यू पे जो करा था, जो मल्टीप्लायर पे, उसी मल्टीप्लायर को मैंने वो कराया। 31 करोड़ में कितना रेज किया है आपने? 5.5 करोड़। व्हाई डू यू नीड 60 लाख मोर? आई एम नॉट एबल टू मेक सेंस। सबसे पहले जो पैसा जाएगा हमारा नेटवर्क ऑफ किचन से बनेगा कि हम क्लस्टर किचन बनाएंगे, स्पोक किचन बनाएंगे, डार्क शोज बनाएंगे। सबसे पहला ये हो गया। कब तक होगा, कितनी बनेगी? तो हमने प्रोजेक्ट किया कि 1.5 साल के अंदर हम इसको 50 करोड़ का ARR पे ले जाएंगे। ओनली थ्रू क्लाउड किचन्स। थ्रू क्लाउड किचन्स एंड कपल ऑफ ऑफलाइन स्टोर्स टू डेवलप द प्लेबुक दैट हाउ डू वी वांट टू टेक इट अहेड इन द फ्यूचर। क्योंकि ऑफलाइन स्टोर का गेम थोड़ा अलग है, उसको समझने में टाइम लगेगा, करके समझ में। तो कितने स्टोर होंगे? अप्रॉक्स 8 स्पोक किचन्स, 2 स्टोर्स एंड 12 डार्क स्टोर्स। प्रांजय यार, ये भी बताओ मेरे को कि इसका टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितना मैटर है? अपने यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा दो। हमारा ग्रॉस मार्जिन है 65%, 35% कॉग्स होता है, फिर 15% मार्केटिंग कॉस्ट है हमारी, 5% कमीशन है क्योंकि Zomato पे डिपेंडेंस बहुत कम है, एंड 5% ही डिलीवरी है, 14% हमारी किचन सैलरी है, एंड 6 to 7% हमारा रेंट रहता है। तो हमारा स्टोर लेवल एबिडा अभी चलता है 19% के आसपास का, एंड फिर हमारा टेक कॉस्ट 1% क्योंकि मैं ही पूरा देख रहा हूँ। जो कॉर्पोरेट एचओ कॉस्ट है वो 10% है, तो मेरा कंपनी लेवल एबिडा समवेयर अराउंड 8% का रहता है। इस साल कितना प्रॉफिट करोगे? इस साल अब क्योंकि हम इसको 12 करोड़ से 50 करोड़ का लेके जाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बर्न रहेगा स्टार्टिंग में क्योंकि हम नए किचन्स खोलेंगे। बट अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक नए किचन को 6 से 8 महीने में पेबैक पीरियड मांगता है। 50 करोड़ 1 साल में कर लो? 1.5 साल। और कितना लॉस कर लोगे? हमारा बर्न जो रहेगा मोटा मोटा 4 to 4.5 करोड़ का रहेगा। वो ही रेज किया आपने बर्न के लिए टू बिल्ड अप। वीना जी, आपकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने खुद से 2 फेल्ड स्टार्टअप्स की थी, फिर आपके बिजनेस में ज्वाइन करके अभी इतना सक्सेस पाया है। तो कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ रोल मॉडल थैंक फॉर सो मेनी वुमेन एंड फॉर योर सन। बट आई थिंक कि यू नो पर्सनलाइजेशन ऑन इट्स ओन को बहुत बड़ा स्केल करना एक टफ होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि केक के बिजनेस में अभी भी 2 चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। एक है लॉजिस्टिक्स, विच इज़ कि कहीं भी टाइम पे लास्ट माइल मिल रहा है, एंड दूसरा है टेस्ट, जैसे थियोब्रोमा रेड वेलवेट की वजह से बना, तिरामिसू किसी और का फेमस है। तो वो ये 2 चीज़ें सबसे बड़े मैटर करेंगी, पर्सनलाइजेशन तो एक एड ऑन रहेगा। आई एम आउट। आपके पास ऑलरेडी 5.5 करोड़ की टर्म शीट है, सो बेस्ट ऑफ लक। आप मंथली कितने नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हो? 1500 थ्रू D2C चैनल, थ्रू Zomato स्विगी समवेयर 1500 अगेन। अपना मंथली रिपीट कितना है अभी? 60%। वर्ड ऑफ माउथ केक्स का ऑटोमेटिकली होता है, एक जगह जाएगा, 10 लोग खाएंगे, उनका बर्थडे आएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्वायर हो चुके हैं, वो ऑर्डर करेंगे, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी क्लैरिटी जो है ना, हर सवाल का जो आप जवाब देते हैं, यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट, तो दैट क्लैरिटी इज वेरी रिफ्रेशिंग। तो गुड वर्क। पैशन और प्रोसेस में तो आप एक्सेलेंट हैं ही। मैं काफ़ी टेम्प्टेड था, especially because of your delicious cakes and the business that you've built. लेकिन यार, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है आपके वैल्यूएशन। आप जो 31 करोड़ का आपको मिल गया है वैल्यूएशन, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा for that reason. Good luck. मैं भी वैल्यूएशन पे अटका हुआ हूँ। जो अनुपम बोल रहे हैं मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। मैं 31 करोड़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें वैल्यूएशन। मैं फिर भी एक ऑफर देता हूँ, अगर आपको पोसाता हो तो ठीक है। 60 लाख फॉर 4% इज व्हाट आई वांट। थैंक्स फॉर द ऑफर, बट जैसे आप जानते हैं कि हमने अभी ये फंड रेज के लिए तो एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं इस जर्नी पे जा रहा हूँ तो एक रिगार्ड और एक फेथ, अब जो लोग मेरे पे फेथ दिखा रहे हैं वो मुझे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है। बट डेफिनेटली बिकॉज यू आर वन ऑफ द मेंटर दैट आई हैव, इफ यू अलाउ आई वुड वांट टू काउंट, कैन वी डू दिस लाइक 60 लाख 2%? 30 करोड़ ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन तो रिस्क में जा रहा है, मैं उस पर आना नहीं चाह रहा। अच्छा अमित, इसी को करते हैं ना 2% पे या फिर 2.5% करते हैं। मेरा काउंटर होगा 2.5%, बट इसको डन करते हैं क्योंकि आप आएंगे मेरे साथ, आपका विजन बहुत अच्छा होगा एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट इन ग्रोइंग। सो लेट्स गो फॉर इट, 2.5% डील डन। ऑलराइट, गुड लक, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन एंड वेल डिजर्व। थैंक यू, थैंक यू। सुपर, गुड जॉब, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, थैंक यू। झपन्यारी बेके की दाढ़ी होली, दाढ़ी झपन्यारी बेके की दाढ़ी होली, दाढ़ी झपन्यारी बे अम्मा दाढ़ी होली, दाढ़ी झपन्यारी बेके की 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 दाढ़ी होली। स्वागत बहुत अच्छा कर दिया। नमस्कार सर, मेरा नाम शशि बहुगुणा रतूड़ी है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, मैं नमक वाली। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम शुभेंदु रतूड़ी है और मैं नमक वाली का बेटा हूँ। बहुत सारे केमिकल युक्त सफेद नमक आपने देखे होंगे, जो इस्तेमाल भी किए होंगे आप लोगों ने, लेकिन मैं आज उत्तराखंड से एक ऐसा पारंपरिक नमक लेकर के आई हूँ जिसको हम सिलबट्टे पर पिस्यू लून बोलते हैं। जो मैं ऑर्गेनिक चीजें खाती हूँ, वही मैंने सोचा कि मैं अपने पूरे देश को ये खिलाऊँ और इसीलिए मैंने नमक वाली को शुरू किया। नमक वाली एक ऑर्गेनिक ब्रांड है जिसमें हम पिस्यू लून से लेकर पहाड़ी हल्दी, पहाड़ी मिक्स मसाला, बद्री गाय का घी, शहद, चटनी जैसे अन्य 15 उत्पाद बनाते हैं और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं और इनमें कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल नहीं मिलाया जाता। हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन और अपनी वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे देश पे पहुंचा रहे हैं। हम देश विदेश में हर घर में नमक वाली के प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहते हैं। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो सर सिलोटिव की पिस्यू लून खावा और अपनी स्वास्थ्य सुंदर और अच्छो बढ़ावा। अरे वाह, इंडिया में हर एक जगह ये खासियत होती है, अलग अलग चीजों में, खाने में, डांस में, लैंग्वेजेस में, फेस्टिवल्स में, और आप आपके कंपनी के थ्रू ना सिर्फ इंडिया को एजुकेट करेंगे और अलग अलग जगह ये पहुंचाएंगे, पर आपके ग्लोबल भी सपने हैं। मजा आ गया पिक सुनकर। ये आपके साथ काम करती है ये दोनों, रेखा कुठारी और सुशीला शेरवाल। नमस्कार, नमस्कार। ये मैं 1982 से काम करती हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र से काम करती हूँ पर्यावरण पर, बच्चों के लिए, महिला सशक्तिकरण पर। माताएं घास और लकड़ी के लिए जब जंगल जाती थी तो अपने बच्चों को एक कमरे में बंद करके चली जाती थी। अच्छा। 4 घंटे के लिए, तो वो बेचारे गंदे फंदे हो जाते थे। मेरे अंदर से जो निकला कि इनके लिए हम छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी स्कूल खोलें और उसके बाद बच्चों को पर्यावरण के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, ये सब चीज़ें उनको बताया 4 घंटे के लिए। और लोगों ने बोला कि हमारे बच्चों को थोड़ा आप पढ़ाओ भी, तो उनको हमने थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये मेरी बालवाड़ी शिक्षिकाएं उस जमाने से, आज 35 साल पहले से, और आज ये नमक वाली में काम करती हैं। वाह, आपने जो शिक्षा का काम किया जी, वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, नींव रखता है भारत की। वो जी, आप एकदम सुपर वुमन हो। सलाम आपको। शशि जी आप डेमो देंगी, कुछ खाने लाई है हमारे लिए? जी, 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 जी। अरे वाह, ये तो आपका जो है ये आपका लहसुन फ्लेवर, अदरक फ्लेवर और मिक्स वाला फ्लेवर है। और आप इसमें जो एक पीस देख रहे हैं उसको हमारे पहाड़ी में रोटाना बोलते हैं। ये आटे का बनता है, रोटाना है, बिस्किट है, ये पहाड़ी बिस्किट। ये नमक को छिड़क करके सर्व करिए, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। जो पैकेट नमक आता है एकदम माहीन वैसा नहीं है, थोड़ा मोटा है ये नमक। हाँ, गारे वाला नमक है। नमक थोड़ा तेज लगा मेरे को, मतलब ये नॉर्मल नमक से तेज है। इसको ना बहुत स्प्रिंकल करना होता है, सैलेड में कर सकते हैं। इसको डाल के सब्जियां भी बनाते हैं या फिर केवल स्प्रिंकल बना सकते हैं, बट कॉमनली इसको स्प्रिंकल विद सॉल्ट, लाइक वेजिटेबल्स के साथ ले लिया, वैसे ही होता है नॉर्मली। जैसे मतलब रायता है, छाछ है, जूस है, आपका फ्रूट है, सैलेड है। कब शुरू किया था आपने शशि जी? 2018 में हमने शुरू किया था। 2018 में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बेचा था। अच्छा। और 2020 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। और क्या आपका ट्रैजेक्टरी रही है सेल्स? FY21 में हमारी 5 लाख थी, 22 में हमारी 11 लाख थी, और दिस ईयर अभी तक हमारी 38 लाख। जुलाई में हमारी जो सेल्स थी वो थी 3 लाख। अगस्त में हमारी सेल्स थी 4.3 लाख। सितंबर में हमारी सेल्स थी 7.6 लाख और अभी इस मंथ अभी तक हमारी सेल्स है 9.5 लाख। अभी पैसे बना रहे हैं कि लूज कर रहे हैं? अभी बना रहे हैं। कितना प्रॉफिट बना लेते हो इसमें? 17%। तो आप 9 लाख में अराउंड 1.5 लाख बना रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। शुभेंदु, आपकी क्या बैकग्राउंड है? मेरा फोटोग्राफी और फिल्म का बिजनेस है, मतलब डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट करता हूँ मैं। 2020 में मैं स्पेन में था, उस टाइम पे तो कोविड चल रहा था, कोविड की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा। मैं घर आया तो नमक के बहुत ऑर्डर्स आने लग गए, बहुत सारे आर्टिकल छपने लग गए मम्मी के, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और मम्मी से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया जाए, तो मैंने अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दिया। कोविड के बाद अपना फिर थोड़ा सा काम शुरू हो गया मेरा फोटोग्राफी का, एंड देन मैंने इसको जो परमानेंट ज्वाइन किया है 2022 से मैंने ज्वाइन किया। तो वो वाला बिजनेस चल रहा है? वो वाला चल रहा है, उसमें टीम है। अच्छा जी। काफी अच्छी पैकेजिंग लगी, काफी एथनिक सी लुक दी। मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरे तो बहुत ही अच्छी लगी, आप काफी एथनिक लुक है। नहीं नहीं नहीं, एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है कि आप दूर से कहीं भी बैठे हो दिख जाए, बनना बहुत टफ है, तो आपको ये थोड़ा सा ये पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एंड ये इलस्ट्रेशन किसने बनाए? मेरे फादर ने बनाए। आपके फादर ने? राइट। हैंड ड्रॉ किए, टेक्सटाइल डिजाइनर, सारे हैंडमेड हैं, सारे जितने बने हैं उनके बनाए। वाओ, कमाल। पूरी फैमिली लगी हुई है। तो मैं शशि जी, शुभेंदर भी आउट हूँ, थोड़ा सा लग रहा है कि सेल्स बहुत कम है, तो अभी आप लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा खुद जी। और स्पेशली मैं शुभेंदर आपको बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है और इसको आप बहुत बड़ा बना सकते हो। देयर इज अपॉर्चुनिटी। दूसरा, इन्वेस्टर्स के चक्कर में मेरे हिसाब से अभी मत आओ, अपना मस्त काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इन्वेस्टर मिल जाते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये क्या बात हो रही है जो मतलब जहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है तुम्हें, तुम क्यों कहते हो इन्वेस्टमेंट मतलब? देखो मेरे को, मैं गुड पॉइंट है, मैं बताता हूँ, मतलब ये इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं तभी तो यहाँ आए हैं। नहीं मैं बताता हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ। होता क्या है कि देखो, कई आप जब इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप बोलते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट के लाया हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लाया हूँ, तो आप इन लोगों को और पुश करोगे कि अब मेरे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का 10x करके दो, फिर आप बोलोगे मेरा 100x करके दो, तो इनके आप पीछे पड़ जाते हो। आपके जैसे पुश करते हैं, किसी को नहीं पुश करते। कौन कहाँ करते हैं? ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। होता है, बिल्कुल भी नहीं है। तूने जिस जिस में इन्वेस्ट किया कहाँ पुश किया? आप करते होगे ऊपर, हम तो नहीं। नहीं, आपका तो बहुत नाम खराब है मार्केट में। मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत ही अच्छा इरादा है, पूछो फाउंडर से। देखो आपका नमक खा के लड़ाइयाँ हो गई है ना, गड़बड़ हो गया। तो अभी ये बताइए, 10-20 करोड़ का भी बिजनेस बनाना हो तो यहाँ से वहाँ तक कैसे जाओ? सबसे पहले हम पूरा ऑनलाइन ही कवर करेंगे मार्केट। ऑनलाइन कितना बड़ा है नमक का मार्केट? स्पाइसेस का मार्केट अराउंड 2000 बिलियन का है। मतलब 2000 बिलियन डॉलर्स की 2000 बिलियन रुपीज इंडिया में? इंडिया में 2 लाख करोड़ का जी। और ऑनलाइन कितना है इसमें? आइडिया नहीं। आपको क्या लगता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है इस बिजनेस में? टेक्निकल मेरी स्ट्रेंथ है। टेक्निकल मतलब? वेबसाइट हो गई, ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने खुद ही क्रिएट करी हैं। वेबसाइट दिखाएंगे? जी, इसमें वेबसाइट में आप यहाँ से नीचे जाएंगे। ये भी पापा के किए हुए इलस्ट्रेशन है? राइट, ये भी पापा ने बनाए। ये बहुत अच्छे। इसमें हमारी ये कैटेगरी है, 7 कैटेगरी है हमारी अभी टोटल। इसके नीचे हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। पर ये तो आपने शॉपिफाई पे बनाई होगी, राइट? ये शॉपिफाई पे बनाई जी। तो इसमें तो कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए होती है? बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम एंड ऑल पे आप हैं? जी, इंस्टाग्राम है। तो कितने फॉलोअर्स हैं वहाँ पे? 11,000 फॉलोअर्स। और ये भी आप चलाते हैं इंस्टाग्राम पेज? मैं और मेरे ब्रदर हैं। वो आपके ब्रदर भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी चलाते हैं। सुवेंदु, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी। जी जी जी। अब अमन ने जब कहा कि इन्वेस्टर मत लो तो सब टूट पड़े। आपको अगर स्केल करना है तो आपको एक को फाउंडर लाना होगा जिसके पास बिजनेस नॉलेज है और फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग। यू आर टू अर्ली एंड टू स्मॉल राइट नाउ फॉर एन इन्वेस्टर और उनकी जो खिटपिट होती है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट थैंक यू, आपने बहुत एजुकेट किया हमको इंडिया के यू नो देवभूमि और कल्चर के बारे में, सो थैंक यू फॉर दैट। 70% सेल्स होती है वेबसाइट से और अमेजोन से 30% होती है। और कितने ऑर्डर्स अपने आप आते हैं ऑर्गेनिक बिना किसी पेड मार्केटिंग के? 2 महीने पहले, इससे पहले सारी जितनी भी सेल है वो सारी ऑर्गेनिक है, उसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया। गॉड। और कितना मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं मंथ में? 90,000 पर मंथ करते हैं। मेरा ये मानना है कि मम्मी प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रेरणा के हिसाब से बहुत सही जगह पर है, लेकिन बिजनेस ड्राइव करने के लिए एक डिफरेंट काबिलियत चाहिए, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे मार्केट साइज पूछा, आपको ये नहीं क्लैरिटी है आज की तारीख में क्या मार्केट साइज है। आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाके इसको बड़ा कैसे करें। श्योर, यू मे नॉट नो इट 100%, लेकिन थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और स्टार्टअप डेवलपमेंट की कोर्सेज कर लें आप ऑनलाइन। मैं इसमें आज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। आई एम आउट। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी ये सोचने का कि मुझे जैसे झाजी में सीजन 1 में रिग्रेट हुई थी, वैसे इसमें रिग्रेट ना हो। तो अगर कोई भी स्कोप है तो मैं आपको सपोर्ट करूं, पर आज मुझे लग रहा है कि अभी टीम इनकम्प्लीट है, तो आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगी इससे आपके साथ। पर आप लगे रहिए, गुड लक। एक जर्नी होती है 0 से 10 तक की, अगर वो करनी आएगी तभी तो 10 से 100 जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस मंच पे आके लोग ऐसा ना सोचे कि यू नो बड़ा बिजनेस है तो ही आना है। इनफैक्ट छोटे बिजनेस आएंगे तो उनको बड़ा करने का स्कोप ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है कंपनी तो यहाँ आने का फ़ायदा भी नहीं है फ्रेंकली, वो ऑलरेडी समझ चुके हैं सब। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया आपने, लोग अच्छे लग रहे हो आप। आपने अपने लिमिटेड मीन्स में जिस तरीके से 70% अपनी ऑर्गेनिक वेबसाइट से सेल करी, मतलब मैं मानता हूँ काबिले तारीफ है। इसके अंदर इन्वेस्टर का रिटर्न कैसे बनेगा वो क्लैरिटी आना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मैं क्या आपको कल गाइड करना चाहता हूँ, इसलिए जुड़ना चाहूँगा आपसे। मैं ऑफर दूंगा आपको, अगर आप जैसे और लोग बने एंटरप्रेन्योर इंडिया में तो ही भारत आगे बढ़ेगा। मेरा मानना है आप लोग नींव रख रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप की भारत के अंदर, और यही नया भारत है मेरे लिए। तो ग्रेट जॉब। 10 लाख इन इक्विटी और 5% इक्विटी, 2 करोड़ रुपए मैंने आपकी कंपनी की वैल्यू आंकी अभी। 40 लाख इन डेट स्प्रेड ओवर 3 इयर्स फॉर 8%। 2 मिनट सोचिए। हाँ बिल्कुल सोच लीजिए आप आराम से। 10 लाख 5%। यार तुम गए हो कभी उत्तराखंड? बहुत मिलता है ऐसे ना, वेरी नॉर्मल थिंग। क्वालिटी है वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, ब्रांड बनानी पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है शार्क्स, तो डील पक्की। ये बिजनेस पे पैसा लगाना अलग चीज है, लेकिन बाकी जो चीजें थी आपकी और हमारे बीच का जो रिश्ता तो बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी जब आप उत्तराखंड आए आप हमारे पास भी आए और हम आपको और भी ऐसी पहाड़ों में जगह दिखाएं, पहाड़ी खाना खिलाएं। और हम भी चाहेंगे कि आप हमसे जो मदद चाहिए जहाँ भी कनेक्ट कराना है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो है इतना आपके साथ में इतना अपनत्व, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज का सवाल मैम आपके लिए मुक्ता सुराना से आया है कोलकाता से। वो कह रही हैं कि मैं आपसे सवाल नहीं एडवाइस लेना चाहती हूँ। वो कह रही हैं कि एक नए एंटरप्रेन्योर को मिनिमम पैसों के साथ अपना नया बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए? मुक्ता जी, मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत जब की थी कई 16 साल पहले, तो लिटरली 10,000 रुपये ही थे। तो ऐसी कोई मिनिमम रकम तो होती नहीं है। अगर आप पेशेंस से धीरे धीरे अपना बिजनेस बनाएं, अपने कैश फ्लो को टाइटली मैनेज करें, रोटेट करें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखें, हड़बड़ी में पैसे इधर उधर ना खर्चें, तो मेरा मानना है कि कोई भी रकम कम नहीं होती एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और कई बिजनेस हमने शार्क टैंक में देखे हैं जहाँ 5,000, 10,000, 20,000 से आज 100-100 करोड़ के एम्पायर्स बना दिए हैं। पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉफिट ही नहीं, अपना वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो पे भी कड़ी नज़र रखिए, बिकॉज अगर आपके पास पैसे नहीं है टू स्टार्ट विद, तो कैश इज गोइंग टू बी क्वीन फॉर यू। So you heard it from the lady herself, Vineeta Singh, CEO and founder of Sugar Cosmetics. Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you for your time and hope you have a good day. Thank you.